अस्सलाम वालेकुम। हसन अली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। सीरीज पाकिस्तान ने कल 1-0 से जीत ली। टेस्ट स्क्वाड का भी हिस्सा है। टेस्ट स्क्वाड के टेस्ट सीरीज के ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन फैजान लखानी कर लें, फिर अब्बास रजा। फैजान आपको आवाज आ रही है? नहीं, सॉरी यार, मैं म्यूट पर था। मेरी मेरी माजरत। अस्सलाम वालेकुम हसन। डिसअपॉइंटमेंट तो हुई होगी कि बारिश की वजह से मैचेस जाया हो गए और वो तैयारियों का मौका नहीं मिल सका, वो कॉम्बिनेशन ट्राई करने का मौका नहीं मिल सका। तो ऑल्दो 1-0 जीते, बट किस तरह जहन में क्या ख्याल आता है कि यार बारिश नहीं होती तो अच्छा होता, मैचेस जाया हो गए, तैयारियों का मौका नहीं मिल सका, इसको थोड़ा रिव्यू कर ले। और अब आगे टेस्ट सीरीज होने वाली है, उसके लिए कितने कॉन्फिडेंट है और अपनी कारकर्दगी की जो आपका सिलसिला चल रहा है उसको जारी रखने के लिए आप कितने उम्मीद है? देखिए फैजान भाई, बिल्कुल डिसअपॉइंटेड तो है सारे प्लेयर्स को, और वी वांट टू प्ले, हम चाहते थे हम खेलें, और हमने आपने देखा भी होगा कि इवन के बारिश भी हो रही है तो हमारे जो प्लेयर्स थे वो रेडी बैठे हुए थे नीचे आने के लिए, और ऑल ऑफ थ्री मैच जो भी रेन अबेंडेड हुए हैं उनकी वजह से। बट वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है और ना ही हम वेदर को कंट्रोल कर सकते हैं, और बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हुए हैं कि उस तरह हमारी तैयारी नहीं हो सकी, स्पेशली ऐसी टीम के जो चैंपियन है, दो दफा जीते हुए हैं और फिर उनके ही होम ग्राउंड में खेल रहे हैं। तो जब आप लोग किसी के होम से जीते हो तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है, स्पेशली ऐसी टीम के जिनके पास बहुत सारी फायर पावर है उनकी बैटिंग में, और दे कैन हर्ट यू एनी टाइम। तो लेकिन एनी हो, विन इज अ विन, और हम लोग सीरीज जीते हैं और हम लोग बहुत खुश हैं एज ए टीम के 1-0 से हम जो है वो वेस्ट इंडीज में जीते हैं, और अगेंस्ट वेस्ट इंडीज एंड इन वेस्ट इंडीज, तो बहुत खुशी है। और जिसना बात की आपने टेस्ट की, वो लुकिंग फॉरवर्ड, अभी हमारे पास 5-6 दिन हैं तैयारी करने के लिए, और इंशाल्लाह हम यूज्ड हो जाएंगे रेड बॉल के साथ, और कोशिश करेंगे कि जो मेरी फॉर्म लगी हुई है, जो रिदम मेरा लगा हुआ है, उसी को कंटिन्यू करूँ, और पिछली 2 सीरीज भी मेरी बहुत अच्छी गुजरी है रेड बॉल की, तो इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि अपनी परफॉर्मेंस को जो है वो कंटिन्यू रख। असल ये इंग्लैंड में हमारी डेथ ओवर्स में बॉलिंग जो है वो कुछ ज्यादा अच्छी नहीं रही, हालांकि वहां पे कंडीशंस जो है वो पेसर्स के लिए ज्यादा साजगार होती हैं, स्विंग से भी मदद मिलती है। तो क्या आप समझते हैं कि इस पेस बैटरी के साथ जब हम वर्ल्ड कप में जाएंगे यूएई में, तो उन कंडीशंस में हमारे ये पेसर्स जो है वो परफॉर्म कर सकें? बिल्कुल, देखें थोड़ा हार्ड वर्क हमारे लिए इंग्लैंड, और कुछ चीजें हैं जो हमें लर्न करनी पड़ेंगी, और एज ए क्रिकेटर, एज ए पर्सन, आप हमेशा ही से लर्न करते हो, और हमारी कोशिश यही है कि जो चीजें जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ये चीज, हमारी अगर डेप्थ बॉलिंग है, हमारा अगर नया बॉल है, हमारा अगर मिडल में है, तो जो भी चीजें हम उस पर वर्क कर रहे हैं, तो हमारे बॉलिंग कोच है वकार भाई, और ये यूनिट जो है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बॉलिंग यूनिट, और इसी यूनिट के जो है वो ओवर द ईयर बहुत सारी परफॉर्मेंसें दी हुई हैं। जिस तरह अगर आप हारिस की बात करें, उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और फिर उसके बाद शहीन, नो डाउट आप सब जानते हैं शहीन ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, फिर जैसे मेरा कम बैक हुआ है और मेरी फॉर्म लगी हुई है, तो आई थिंक एज ए बॉलिंग यूनिट हमें एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट है, और हमारी टीम को भी हम पे ट्रस्ट है, हमारे कोचेस भी हम पे ट्रस्ट करते हैं, बट देयर इज अ समथिंग के जो हमें इम्प्रूव करना है, और इंशाल्लाह हम इम्प्रूव करेंगे। अभी हमारे पास 1-2 महीना है वर्ल्ड कप जो वो जाने से पहले। अरसलान जावेद और कादिर ख्वाजा। अस्सलाम वालेकुम हसन। मेरा सवाल ये है कि टेस्ट सीरीज जो है वो अब जा रही है उन्हें वेस्ट इंडीज के साथ, तो ये हमारी टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा होगी, तो इस सीरीज को लेके कितना मेंटली प्रिपेयर हैं और क्या समझते हैं कि पाकिस्तान का जो इस वक्त कम्बिनेशन है वो वेस्ट इंडीज को कितना टफ टाइम जो है टेस्ट मैचेस के अंदर देने जा रहा है, और बारिश जो है वो खासकर बड़ा रोल प्ले कर रही है, तो सूरत में टेस्ट में किस प्लान के साथ जो है वो जाएंगे? देखिए सबसे पहले तो जो आपने बात की है कि जो हमारी टीम, आई थिंक टीम पे बात की आपने, पहला क्वेश्चन ये है कि हमारी टीम बहुत अच्छी है और बैलेंस साइड है, हमारे पास स्पिनर्स भी हैं, और अभी हमारे यासिर शाह भी वापस आए हैं। अगर हम यहाँ की कंडीशन की बात करें, ड्राई कंडीशन होती है, फिर उसके बाद हमारे पास शहीन है, माई सेल्फ, फिर अब्बास आए हैं, नसीम शाह वापिस आए हैं, और ऑलराउंडर हमारे पास फहीम है, तो हमारी एक बड़ी अच्छी बैलेंस साइड है, और हम 2 सीरीज लास्ट जो है वो टेस्ट सीरीज जीते हुए हैं, और वो लुकिंग फॉरवर्ड
कैम जो है वो कंटिन्यू करें और अपने जो चेस चैंपियनशिप है जो स्टार्ट हो रही है उसको जो है वो विन की सूरत में जो है वो स्टार्ट करें और इंशाल्लाह वी लुकिंग फॉरवर्ड। और देखिए बारिश का जो रोल है वो मैंने अभी मेंशन किया कि बारिश हमारे कंट्रोल में नहीं है, वेदर हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो हम इस पे ना तो डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं और ना खुश हो सकते हैं। और जो हमारे हाथ में चीजें हैं वो है हमारे हाथ में एफर्ट करना, ग्राउंड में एफर्ट करना, कोशिश करना कि अच्छा परफॉर्म करें, तो वही हम कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम हसन। हसन हमने देखा है कि जैसे ही कम बैक हुआ आपका, उसके बाद आपने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है बॉलिंग में भी और खास तौर पर बैटिंग में काफी इंप्रूवमेंट आई है, तो कितने होपफुल हैं टेस्ट सीरीज में भी ऐसे ही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करने के लिए? और आगे इंडिया के साथ भी मैच अभी अनाउंस हुआ है 24 अक्टूबर को, तो उस तरह का हसन जो चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के खिलाफ दिखाई दिया था, इस मरतबा वर्ल्ड कप में भी दिखाई देगा? और दूसरा अरशद नदीम जो है उसके हवाले से क्या कहते हैं, उन्होंने ओलंपिक्स फाइनल के लिए क्वालिफाई किया जेवलिन थ्रो में। देखिए बिल्कुल हम वो लुकिंग फॉरवर्ड के हम जो टेस्ट सीरीज वो उसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जो हमारी टेस्ट चैंपियनशिप है उसको हम जो शुरुआत जो है वो जीत से करें और बहुत विलिंग है और आज से जो है वो प्रैक्टिस भी शुरू हो जाएगी रेड बॉल की इंशाल्लाह। और रही दूसरी बात इंडिया के साथ, अभी मैच बहुत दूर है और हमारा अभी फोकस जो है, अगर इंडिविजुअली आप मुझसे पूछे तो मेरा फोकस अभी सिर्फ इस दो टेस्ट मैचेस पे है और उससे पहले जो प्रैक्टिस है उस पे है कि किस तरह खुद को प्रिपेयर करना है टेस्ट क्रिकेट के लिए जो दो मैचेस आ रहे हैं। और जिस तरह बिल्कुल नदीम का भी मैंने ट्वीट भी किया उनके लिए और बहुत खुशी की बात है कि वो फाइनल में पहुंच गए हैं और एक छोटे इलाके से मियां चन्नू से उठ के इस तरह ओलंपिक्स में जहाँ पे इतने कंट्रीज जो है वो हिस्सा लेती हैं और वहाँ में फाइनल में पहुँचना इट्स अ बिग अचीवमेंट। और एज ए नेशन, एज ए पाकिस्तान हम हमेशा ही सपोर्ट करते हैं अपने प्लेयर्स को, अपने एथलीट्स को, तो हमारी और स्पेशली मेरी तो बहुत बेस्ट विशेज हैं और इंशाल्लाह अगर ये गोल्ड मेडल जीतते हैं तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से कुछ इनाम भी उनको दूंगा और मेरी बहुत सारी दुआएं कि ये फाइनल जीते और पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया।